बीसीसीआई दुनिया का सबसे गरीब सॉरी सॉरी दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, जिसमें शायद से आईसीसी समा जाए, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल समा जाए। इतनी ज्यादा संपत्ति कि शायद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक साथ में खरीद ले। पीसीबी में सिर्फ चाय में चीनी बराबर है। बीसीसीआई के पास में पैसा बहुत है, ऐसा सभी कहते हैं। जैसे आपने पिछले साल वर्ल्ड कप 2019 देखा होगा, वेल्स में खेला गया था, वहां पे जिस तरीके से ओपनिंग ग्रैंड ओपनिंग करी गई। लेकिन इस साल 2023 वर्ल्ड कप में जो सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के अंडर में हो रहा है, फिर भी कोई भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं की गई। अब इतना ही नहीं, इसमें जो बेहालपन दिखाया बीसीसीआई ने, चलिए आपको थोड़ा सा उससे रूबरू कराते हैं। एक गंदी सीट इवन काउंट इधर भी है, आगे भी पूरी गंदी है। डस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो इनकी बात कर रहा हूँ। पता नहीं कब से साफ हुई है नहीं हुई है ये डस्ट, तो डस्ट भी आप देख सकते हो। डस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। यू कैन सी गाइस, पूरी रो ही ऐसी है, पूरी रो नीचे भी देख सकते हो, सारी सीट्स ऐसी। जो वीडियो अभी आपने देखा और जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात के उस स्टेडियम की तस्वीर जहां पे कल ओडीआई वर्ल्ड कप का पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया। जब दर्शक यहां पे पहुंचे और दर्शकों ने इस तरीके से सीटों का हाल देखा, तो दर्शकों ने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, फोटोज खींचनी स्टार्ट कर दी और उसे सोशल मीडिया पर पहुंचाया, जहां पर अहमदाबाद वायरल हो गया और बीसीसीआई के नाम से ट्रेंड चलने लगा ट्विटर पर, यानी एक्स पर। इसके बाद में लोगों ने इसके ऊपर तंज भी कसना शुरू किया। अब इस पे सवाल इसलिए बनता है क्योंकि ये ओपनिंग सेरेमनी का मैच था, जहां पर बीसीसीआई के बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी थे, जहां पर बीसीसीआई के चेयरमैन भी थे, और उस मैच में इस तरीके से लापरवाही करी गई और इस तरीके से फैंस की कदर नहीं करी जा रही है। अब जिस सीट की हालत देख रहे हो, उस सीट की कीमत आपको पता है? इतने में आप 4-5 मरतबा जवान आईमैक्स में देख के चले आओगे। 5,000 रुपये से सीट की कीमत, 5,000 रुपये दे के जो व्यक्ति, जो दर्शक इस मैच को देखने गया होगा, वो क्या चिड़ियों के लैटरिन पे बैठने के लिए गया था, या फिर इस तरीके से डस्ट से सनी, धूल से सनी सीटों पर बैठने के लिए गया था? क्या बीसीसीआई के पास में वर्कर्स नहीं है जो सीट्स को मैनेज कर सके? अब सीटों की हालत तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, आप खुद देख सकते हो किस तरीके से हालत है। और ये ओपनिंग मैच की है, जहां पर सबकी नजरें थी और जहां पे इतना ज्यादा क्राउड आने की उम्मीद थी कि शायद से स्टेडियम खचाखच भरा हो। क्राउड उतना नहीं आया, लेकिन फिर भी क्राउड 50 के प्लस था। इन सीटों को देखने के बाद में आप इमेजिन करो, आप थिएटर्स की उस सीट का जिसके लिए सिर्फ आप 400 या 500 रुपए खर्च करके आप थिएटर्स में जाते हो और आपको एक प्रीमियम क्वालिटी की सीट दी जाती है, आपके उस कोच में एसी भी लगा होता है और इस तरीके से प्रीमियम क्वालिटी की सीट्स होती हैं और आपको फिर 3 घंटे के 500 रुपए देने होते हैं। लेकिन आप जब 5,000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो आप क्या इस सीट के लिए खर्च कर रहे हो? यह सवाल तो बीसीसीआई से बनता है। बीसीसीआई के पास में इतना पैसा है, फिर भी वो इस तरीके से कैसे कर सकता है? मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप 5,000 रुपए खर्च करके किसी स्टेडियम में मैच देखने जाओगे, तो फिर आप इस सीट पे बैठना पसंद करोगे? आपका जवाब होगा नहीं। आपसे पूछूंगा क्या ये वर्थ इट है? आपका जवाब होगा नहीं। जब मैं आपसे ये कहूंगा कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, तो आपका जवाब होगा नहीं। मैं इस बात से शौक हूं कि 5,000 रुपए का टिकट लेने के बाद में बीसीसीआई आपको एक स्टूल नहीं दे सकता बैठने को, साफ सुथरा स्टूल नहीं दे सकता। ये बीसीसीआई की एक गंदी साजिश है जिसका शिकार दर्शक हो रहे हैं। पैसा तो दे रहे हैं, उन्हें वो क्वालिटी नहीं दी जा रही है, उन्हें वो इज्जत नहीं मिल रही, उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग खेली जा रही है, ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, और उसका ओपनिंग मैच है, स्टार्टिंग मैच है। इसके बारे में मैं आपका राय जरूर से जानना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए ओपन है, जाके अपनी जो भी सोच है, जो भी राय है, जो भी भड़ास है, निकालो वहां पे। एंड क्रिकेट स्टूडियो से तमाम सारी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे वर्ल्ड कप से रिलेटेड सारी खबरें आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।